आज हम लेकर के आ गए हैं रील पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने वाला योगी जी डायलॉग रील वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल को लेकर के। तो सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। ये दो लड़कों की जोड़ी वही है, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। तो अगर आपको भी कुछ इस प्रकार का रील बनाना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिए। तो ऐसा एडिटिंग के लिए आपके फ़ोन में VN ऐप होना चाहिए, होगा भी, अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद चलिए अब इसका एडिटिंग सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम अपने VN ऐप को ओपन कर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। योगी जी का जो वीडियो क्लिप है लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। इसमें आप जो फ़ोटो लगाना चाहते हैं आप यहां से एक फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहां से एक फ़ोटो को ले लेते हैं, एरो पे क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसका जो फ्रेम है 9:16 पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहां से टैब टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। साउंड वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, ओके पे क्लिक करके साउंड को बाहर कीजिएगा। चूज वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद स्क्रॉल करके आप आगे की तरफ चलिएगा और इसको आप यहाँ से इक्वल साइज में कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको इक्वल साइज में कर लेते हैं। आगे इसका वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको आ जाना होगा 11:38 सेकेंड, यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा सेकेंड। तो आप यहाँ से आ जाइएगा 11:38 सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं 11:38 सेकेंड। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे 11:38 सेकेंड हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्प्लिट, स्प्लिट करके दो भागों में कटिंग कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको आना है 12:63 सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं 12:63 सेकेंड। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे 12:63 सेकेंड। यहाँ पर आ जाने के बाद फिर आप स्प्लिट करके दो भागों में कटिंग कर लीजिएगा। फिर आपको आ जाना होगा 13:65 सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं 13:65 सेकेंड। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं 13:65 सेकेंड। यहाँ पर आने के बाद फिर आप स्प्लिट करके दो भागों में कटिंग कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप अपने फर्स्ट भाग पे आइएगा। तो हम अपने फर्स्ट भाग पे आ गए, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा और इसमें आपको अप्लाई करना है जूम आउट वाला इफेक्ट्स। तो चलिए हम ऐसे जूम आउट वाला जो इफेक्ट्स है अप्लाई कर देते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है फुल फोटो में कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर आप यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद फिर आप अगले फ़ोटो पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रॉल करके आप आगे की तरफ चलिएगा। अब इसमें आपको अप्लाई करना है जीते रहा अप वाला इफेक्ट्स। तो चलिए हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। फिर आप यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप अपने अगले भाग पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, आप इसके स्टार्टिंग में रहिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक वाइट, आप जो कलर का फ्लेशिंग देना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से ब्लैक चूज कर लेते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है 0:11 सेकेंड कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ से डन पे क्लिक कर लीजिएगा और इसका जो साइज है फुल फोटो में कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। हो चुका है, फिर हम यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। फिर आप अपने अगले फ़ोटो पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा,
आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा। अब इसमें आपको अप्लाई करना है जीतेर डाउन वाला, तो चलिए हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। जीतेर डाउन वाला इफेक्ट कुछ इस प्रकार से, डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए आपका वीडियो बन के तैयार हो चुका है, चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए आप यहां से एक्सपोर्ट वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर दिए, यहां पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। डाउन पे क्लिक करके आप इसको गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये एडिटिंग ट्यूटोरियल आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।